हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं मेमन गोट फार्म पे हूँ वसई में, और वी वर जस्ट रैपिंग अप हम लोग का फर्स्ट हाफ का शूट एंड हेडिंग फॉर लंच। तो सडनली वी गॉट अ कॉल कि भाई एक कस्टमर है, वो वांट्स टू कीप गोट्स ऑन पलाई। उनकी गाड़ी अब भी आई है, एक बकरा एक बकरी लेके आया है, सामने बैठे है ब्लू शर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असलम नाम है। असलम भाई, कहाँ के रहने वाले हो? विरार के। और ये बकरे आपने कुछ बोला भाई गुजरात से? अहमदाबाद से लेके आया था। अहमदाबाद से? तो अहमदाबाद से विरार में थे, अब विरार से यहाँ पर पलाई के लिए हिसाब से भाई के पास लेके आया हूँ। तो पहले से जानते हो अरफात भाई को? अरफात भाई को मेरा भाई जानता है, नियाज करके, वो गुलबर्गा में रहते। अच्छा, तो भाई का बोले थे यहाँ है मेमन गोट फार्म, आप वहाँ लेके जाइए, बहुत अच्छा है। वो हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन एक बात अच्छी है कि भाई करीब पड़ता है, तो आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तो भाई भिवंडी का था, लेकिन भिवंडी नहीं गया, यहाँ ही आया मैं। बट और भी फार्म है यहाँ पे। मैं तो भाई का नाम तो सुना नहीं दूंगा, लेकिन आसपास इसके अतराफ में बहुत नाला सोपारा वसई विरार में और भी फार्म से। तो मेमन गोट फार्म की चूज किया आपने? ये मैं भाई ऐसा है कि नियाज भाई करके है ना, वो बहुत बकरे के मामले में बहुत अच्छे है, और गुलबर्गा में रहते मेन चीज। वो मेरे को वसई का बोले, मैं विरार में रहके मुझे पता नहीं मेमन गोट फार्म इधर है। लेकिन भाई ने मेरे को बोले जा भाई तू उधर, भाई का नंबर देता हूँ, वहाँ जाके तू देख अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए कुर्बानी के लिए, कुर्बानी पलाई के लिए जो है तो सिर्फ पलने के लिए, कुछ नहीं। कितने टाइम तक रखोगे? जब तक भाई बकरा रहेगा जब तक। क्या डिटेल्स है बकरी की? बकरे की डिटेल्स बताइए, कितने थाकते हैं? अभी तो फिलहाल 7 मंथ का भाई है। 7 मंथ्स का है। पतीरा? पतीरा है। पतीरा है, अदंत है? अदंत है। और ये बकरी? बकरी भी अदंत है, साथ में दोनों एक ही माँ बाप। अच्छा, तो बकरियों की पलाई का क्या है आपका चार्ज कितना है? अदंत बच्चे है ना, तो अपन ऐसा वेट के हिसाब से तो लिए नहीं बच्चे अभी तक के, मैक्स एक 2000 रुपीस छोटे बच्चे लोग की पलाई तो है। इनका 2000 रुपया रहेगा, बकरा हो या बकरी हो, 2000 रुपए। कब तक के 2000 रुपए रहेगा? फात भाई थोड़ा बकरा चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह वेट गेन मेरे को ऐसा लगेगा दिल से कि यार नहीं अब इस पे रिजल्ट आ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसकी खुराक बढ़ी, तो फिर वो हिसाब से मैं क्लाइंट से बात करके उनके पैसे। तो ये बकरे आ गए अभी जी, एक महीने के बाद खुदा ना खास्ता बकरों को कुछ हो जाता है, कोई कैजुअलिटी होती है, तो आप फ्री रिप्लेसमेंट देते? फ्री रिप्लेसमेंट इंशाल्लाह। अगर बकरे ये यहीं से खरीदे होते तो डे वन से शुरू होता जी फात भाई, डे वन से। अभी अगर खरीदे तो एट अ टाइम से स्टार्ट है। ओके, इमीडिएटली इमीडिएट। लेकिन इनकी जो वो जो आप फ्री रिप्लेसमेंट? जी फ्री रिप्लेसमेंट है। इनने अभी ये बकरे अहमदाबाद से लेके आए, तो अभी ये बकरे एक महीने तक किसी कोई गारंटी वारंटी नहीं। पहले तो हम इसको अभी माशाल्लाह बकरे तो फिट दिख रहे फात भाई, एकदम कुछ तो लग रहा नहीं है। घर में पले हुए ना कि फार्म से आए? नहीं, डायरेक्ट फार्म से नहीं, घर पे लाके। अच्छा, घर पे पले? नहीं नहीं, वहाँ पे अहमदाबाद में फार्म पे, घर पे, घर पे पले हुए। अभी घर पे लाके मेरे को 2 महीना हो चुका है बच्चे। ओके ओके, तो क्या वजह है कि 2 महीने के बाद रख दिया? क्या एक्चुअली घर पे कोई देखभाल हो नहीं पा रही है, बना रहा हूँ मेरे घर के आगे जगह है, तो हिसाब से भाई की तरह सोचा ना, तो कोई है ही नहीं फिलहाल। मैं गुजरात में ही रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं विरार का रहने वाला हूँ, मेरा जॉब गुजरात। अच्छा, गुजरात में जॉब करते हो? नवसारी। नवसारी है, फैंटास्टिक। चलिए बहुत अच्छी बात है। नवसारी से अभी मुझे एक शूट आई है, ठीक है, होप आई विल बी विजिटिंग देयर वंस अगेन। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना किलो गेन करेगा? बच्चा है तो बच्चे पर केजी ज्यादा करेंगे गेन? ज्यादा करते हैं, 5-5 किलो एक्सपेक्ट कर सकते होता हैं? है 5 किलो 6 किलो इंशाल्लाह। पतीरे तो इसके बाद वाली जो अपन शूट करेंगे ना फात भाई, उसमें बच्चे लोग 5-5 किलो 6-6 किलो गेन किए मेरे पास। अच्छा, अभी ये जब आए हैं आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है? आप एंट्री वेट जिसमें डॉक्यूमेंट साइन वाइन डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस पे रखे हुए, वो या तो उनको हैंड डिलीवरी चाहिए तो मैं वो करवा दूंगा, या तो फिर मेल करवा देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर बिल बुक है मेरे पास, तो वो बिल बुक चाहिए तो फिर उसके ऊपर अपन लिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते रहेंगे फार्म पे, तो आते रहते हैं, सो वील कीप अ ट्रैक ऑन योर गोट्स एज वेल। और इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे। अगर आप नहीं आ पाए तो भाई वीडियो में देख लेना, ठीक है, आपके गुलबर्गा वाले अपने भाई को बता देना, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।